नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पिछले कई दिनों से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की। दोस्तों कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके अंदर की एक टॉपिक थी आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता, और समावयवता के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि समावयवता दो तरह की होती है, संरचनात्मक समावयवता फिर त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता हो गई, त्रिविम समावयवता भी हो रही थी, उसमें हम लोग ज्यामिति समावयवता पढ़े थे, और ज्यामिति समावयवता के अंदर पढ़े थे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद पढ़े थे ई और जेड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, और उसके बाद पढ़े थे सिन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, और उसके बाद अब त्रिविम समावयवी में ही या त्रिविम समावयवता में ही हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों आपको नाम से मालूम हो रहा होगा कि यह प्रकाशिक समावयवता है, इसका मतलब है कि यह प्रकाश से संबंधित है। मतलब दोस्तों अगर हम लोग इसको डिफिनीशन, अगर इसकी बात करें डिफिनीशन की, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, यानी कि अणु सूत्र समान हो, और उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी एक समान हो। लेकिन दोस्तों बस डिफरेंस क्या है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के या रासायनिक पदार्थों के अणु सूत्र समान हो, उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान हो, लेकिन अगर उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अगर अलग अलग है, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपना व्यवहार बदल बदल कर दिखाते हैं, ऐसे यौगिक कहलाते हैं प्रकाशिक समावयवी, और ऐसी समावयवता को कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। अब देखिए आपके सामने दो कंपाउंड्स हैं, एक तरफ लैक्टिक एसिड है और एक तरफ टार्टरिक अम्ल है। दोस्तों आप जानते हैं कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, ठीक है, और ये टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है, आपको मालूम है। तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप याद रखिए टार्टरिक अम्ल, और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ये भी पूछा जा सकता है कि दूध किस अम्ल के उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड की ये संरचना है, ये भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए इसमें OH किस साइड में है, इस तरह से है, मतलब कि राइट साइड में है, और किस तरह, किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तब ये अगर राइट साइड में होगा तो डी फॉर होता है डेक्स्टर, मतलब कि डेक्स्ट्रो मतलब ही राइट साइड होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कह देंगे कि डी लैक्टिक अम्ल, ठीक है, डी लैक्टिक एसिड, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड, या फिर और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। और इसमें देखिए ये, इसमें देखिए किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तब हम इसको क्या कहेंगे, येलो लैक्टिक एसिड, या इसकी वैल्यू होती है माइनस, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस लैक्टिक एसिड, क्या कहेंगे, माइनस लैक्टिक एसिड, या फिर यल का फुल फॉर्म होता है क्या दोस्तों, LAEVO लीवो रोटेटरी कंपाउंड लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लीवो लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टार्टरिक एसिड की अगर संरचना हम लोग बनाएं, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर किसकी संरचना है, टार्टरिक एसिड की, यही है टार्टरिक एसिड। लेकिन दोस्तों यह तीन तरह से होगा, या तो देखिए प्लस में होगा, या तो ये प्लस में होगा, या डी फॉर्म होगा, या डेक्स्ट्रो फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस पहले OH को देखेंगे, ये किस साइड में है, इस साइड में है। अगर हम इसको थोड़ी से इसी तरह से और घुमाएं तो देखिए यहाँ पे ये OH इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब ये कौन सा फॉर्म होगा, डी फॉर्म होगा, या इसी को हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, या इसी को हम कह सकते हैं प्लस टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए इनको देखिए जरा, इनको जब देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए पहला OH जो पहले कार्बन से इधर जुड़ा है, मतलब वो किस साइड में है, वो लेफ्ट साइड में है। अगर हम इसी तरह से थोड़ा सा और आते रहें ऐसे, तो ये वाला किधर है, ये भी लेफ्ट साइड में है। तब हम इसको क्या कह सकते हैं, यल फार्मा टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, एक आपसे और टॉपिक पूछी जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर आप समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहीं पे हम सुधार करेंगे उनको। देखिए आप जैसे कि मान लीजिए अगर ये हटा दें, ठीक है, ये हटा दें, और यहाँ पर केवल H रहे,
जैसे ऊपर है वैसे यहाँ भी एच रहे, और यहाँ पर जैसे ओ एच है उसी तरह से यहाँ भी ओ एच हो जाए, ठीक है। और हम यहाँ से इस कंपाउंड को, मतलब यहाँ पर हम क्या कर दें, थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दें या कोई पार्टीशन डाल दें, और उसके बाद जिस तरह उधर आपको दिख रहा है उसी तरह से नीचे का पार्ट दिख रहा है, जिस तरह से ऊपर का पार्ट दिख रहा है उसी तरह से नीचे का पार्ट दिख रहा है। अगर हम इसको उस पर रखें तो ये कंपाउंड पूरा जाके ऊपर वाले को ढक लेगा। तब हम इन दोनों को कहेंगे इनेंसियोमॉर्फ। क्या बोलेंगे? इनेंसियोमॉर्फ, मतलब कि इनेंसियोमॉर्फ। और दोस्तों उसके बाद ये जो प्लेन है ना, इसी को हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ये डी वाला और एल वाले दोनों को एक साथ मिला दें, ठीक है, तो जो मिश्रण बनेगा ना उसे हम कहेंगे रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। और यह प्रोसेस, मिलाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है। और अगर इस मिश्रण में से हम लोग डी और एल दोनों पार्ट को अलग अलग कर लें तो उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक कंपाउंड और लेते हैं जो कि आपको कक्षा 12 में बड़े ही डिटेल तरीके से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, वह है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में भी डी और एल फॉर्म को समझते हैं, उसके बाद यह टॉपिक एंड होगी। देखिए दोस्तों अब हम ग्लूकोज के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किस में समझेंगे? ग्लूकोज में, मतलब कि उसके डी और एल रूपों को देखेंगे, ठीक है, मतलब कि प्लस और माइनस रूपों को भी देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ग्लूकोज में आप देख रहे हैं छः कार्बन है, छः कार्बन है, तो सबसे पहले आप छः कार्बन की लंबी चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह होता है, तो ध्यान दीजिए हम एल्डिहाइड समूह के आधार पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं एल्डिहाइड समूह, मतलब कि CHO। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। ये कैसे आया? जैसे कि आप जान रहे हैं जब हम लोग IUPAC पढ़े थे तो उसमें क्रियात्मक समूहों का एक ग्रुप पढ़े थे, मतलब कि जिसमें सभी क्रियात्मक समूहों को एक साथ रख करके पढ़े थे, और ये समझे थे कि कौन किस श्रेणी का है। और अगर एल्डिहाइड समूह आ रहा है इस तरह दिखा रहे हैं तो इसके अनुलग्न का क्या नाम होगा, पूर्वलग्न का क्या नाम होगा, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स सब का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए एल्डिहाइड समूह हो गए, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये CHO, मतलब कि एल्डिहाइड समूह है। इसको हम लोग कार्बोनिल समूह भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने को कार्बोनिल, और ये अगर एच भी लग जाए तो एल्डिहाइड समूह, ठीक है। ये देखिए पहला वाला OH मायने रखता है, ये किस साइड में है ये भी मायने रखता है। अगर ये राइट साइड में है तो ये डी फॉर्म का होगा, अगर ये लेफ्ट साइड में है तब ये एल फॉर्म का होगा, यही याद रखना आपको, ठीक है। ये OH हो गया, इधर एच हो जाता है, इधर एच हो जाता है, इधर OH हो जाता है, इधर देखिए OH, इधर देखिए OH, यहाँ पर CH2OH, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब इनको आप गिनेंगे तो आपको आएगा C6H12O6 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसी तरह का और बना दिया एक स्ट्रक्चर, मतलब कि ये सबसे पहले ऊपर जो है CHO लिख देते हैं, इसको छः कार्बन की लंबी चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर इस तरह करने के बाद भी हम इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये देखिए पहला वाला H आ गया, इधर इधर क्या हो गया, OH आ गया, इधर क्या हो गया, OH, इधर क्या आ गया, H आ गया, इधर क्या हो गया, H हो गया, इधर क्या हो गया, OH, इधर H, इधर OH, और इधर आपका CH2OH ही रहेगा, ठीक है। गिनेंगे तो आपको इस फार्मूला पे आ जाएगा, ठीक है, मैच हो जाएगा। देखिए पहले वाले OH को इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट साइड है। इसको देखेंगे पहला वाला OH, तो ये आपका लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये राइट साइड में है। पहले वाले को देखेंगे भले से ये कहीं भी रहे, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो इससे मतलब नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो इससे मतलब नहीं है। पहला वाला देखेंगे, पहला वाला ये जो कार्बन है ना, ये सिमेट्रिक कार्बन होगा कि एसिमेट्रिक कार्बन होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्बन के चारों संयोजकताओं से अलग अलग तरह के परमाणु या परमाणु समूह जुड़े हैं, तब हम इसको कह सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल कार्बन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी स्टार वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब दोस्तों ये राइट साइड में है तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज लिखेंगे, ठीक है, या फिर लिखेंगे आर करके प्लस ग्लूकोज, प्लस ग्लूकोज। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यल ग्लूकोज, ठीक है, यल ग्लूकोज, या फिर यहाँ पे कैपिटल यल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे माइनस ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, या लीवो ग्लूकोज लिख सकते हैं, यहाँ पे डेक्स्ट्रो ग्लूकोज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तो देखिए हम बोले थे आपसे आर और यस नॉमनक्लेचर समझने के लिए, ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा उसको। जैसे देखिए आपका ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, अभी कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन की चारों संयोजकताओं से कुछ ना कुछ लोगों को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए CH3 जोड़ दिया, ठीक है,
ओ एच जोड़ दिया, यहाँ पर क्या किया सी, यहाँ पर सी डबल ओ एच जोड़ दिया, चलिए चेंज कर देते थोड़ा सा, यहाँ पे ओ एच कर देते हैं, यहाँ पे सी एच थ्री कर देते हैं और यहाँ पे एच कर देते हैं, ठीक है। और जब कार्बन की चार संयोजकताओं से, चारों संयोजकताओं से कुछ लोग जुड़ते हैं या परमाणु समूह जुड़ते हैं, तो एक्चुअल में वो कैसी होती है, वो होती है चतुष्फलकी। अगर चतुष्फलकी ये संरचना होगी तब हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे दोस्तों, कैसे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए आपका क्या हो गया ओ एच मान लेते हैं, ये क्या हो गया सी डबल ओ एच हो गया, ये क्या हो गया सी एच थ्री हो गया, ये क्या हो गया एच हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको आर और यस सिस्टम समझना है आपको, आर और यस सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, आर एंड यस सिस्टम, सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, तब आपको क्या करना है, एक नए ही टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझना होगा आपको। तब हम क्या करते हैं, देखिए इसको 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 और इसको, चारों लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जैसे देखिए इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेवल का होगा या प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा उसको एक नंबर देंगे, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है इसको एक नंबर देते हैं, फिर इसकी प्रायोरिटी आती है दो नंबर, इसकी प्रायोरिटी आती है तीन नंबर और इसकी प्रायोरिटी आती है चार नंबर। अब इसको हम अपनी आँखों से देखेंगे, किधर से देखेंगे, एक नंबर से देखेंगे किधर की तरफ, किधर की तरफ दोस्तों, दो तीन चार की तरफ, एक दो तीन चार को देखेंगे, और हमारी नज़र देखिए क्लॉकवाइज घूम रही कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि दाहिने साइड घूम रही कि बाएं साइड, तो हमारी आंख कैसे घूमेगी, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड घूमेगी तो हम इसको कहेंगे यस, यस सिस्टम, मतलब ये जो भी कंपाउंड है यस आगे कंपाउंड का नाम लिख देंगे, ठीक है। यस मतलब होता है क्या, यस मतलब होता है देखिए, आर मतलब होता है, आर मतलब होता है क्या, देखिए राइट, ठीक है राइट, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्लॉकवाइज। यस मतलब होता है, देखिए इसका कुछ दूसरा नाम है लेकिन याद नहीं आ रहा अभी, तो इसको हम कह सकते हैं यस मतलब हो गया लेफ्ट, ठीक है। सिनिस्टर कुछ होता करके, सिनिस्टर करके होता है, ठीक है। और आर फॉर रेक्टस होता है, हाँ देखिए याद आया, आर फॉर रेक्टस, रेक्टस मतलब होता है राइट, और यस फॉर होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हमारी नज़रें बाएं साइड से घूम रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो हम इसको कहेंगे एस कंपाउंड, अगर ये लैक्टिक एसिड है तो हम इसको कहेंगे यस लैक्टिक एसिड, अगर हमारी नज़र इधर से इधर की तरफ घूमती तब हम उसको कहते क्या, आर लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों इस तरह से पूरी समायोजकता ख़त्म हो गई, ठीक है। तो हम लोग इसमें लगभग इस कार्बनिक रसायन में लगभग तीन लेसन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरे पार्ट में कवर हुआ है सब कुछ, और उसके बाद ये आपकी आइसोमेरिज्म भी ख़त्म हो गई। तो जैसा कि मैं पहले वादा किया था कि इस पूरे लेसन को हम लोग अलग अलग पार्ट में करके पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़े भी और आज ये ख़त्म हो रहा है समायोजकता के साथ। तो दोस्तों अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसमें एल्केन एल्केन एल्काइन आएगा, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह की कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किए तो शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।